और चलिए अब बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय कैंपस में रविवार की शाम को हुए तांडव के मामले में पुलिस ने अपनी तरफ से पहली एफआईआर दर्ज की है। पुलिस ने कुछ नकाबपोशों को पहचानने का दावा किया है और इससे पहले रविवार को नकाबधारी गुंडों ने कहर बरपाया था। हाथों में डंडे रॉड लेकर घुसे इन बदमाशों ने छात्र छात्राओं और शिक्षकों पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। इस हमले में लगभग 20 स्टूडेंट और शिक्षक घायल हो गए। हालात को संभालने के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन को दिल्ली पुलिस की मदद लेनी पड़ी। विश्वविद्यालय प्रशासन के आग्रह पर दिल्ली पुलिस ने कैंपस में प्रवेश किया और देर रात फ्लैग मार्च किया। जीएनयू परिसर में रविवार की शाम कुछ नकाबपोश बदमाश घुस गए और वे हाथ में डंडे और लोहे की रॉड लिए हुए थे। उन्होंने छात्र छात्राओं और शिक्षकों की बेरहमी से पिटाई कर दी थी। पिटाई से जीएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष आयशी घोष सहित दो पदाधिकारी घायल हो गए। आयशी के सिर पर डंडे से हमला किया गया। हमले के बाद लहूलुहान आयशी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर छा गई। उन्हें तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। दो घंटे तक यूनिवर्सिटी में अफरा तफरी का आलम रहा। वहीं जीएनयू हिंसा को लेकर दिल्ली पुलिस ने कहा कि हम जल्द ही एफआईआर दर्ज करेंगे। पुलिस ने कहा कि कल जीएनयू में हुई हिंसा को लेकर हमें काफी शिकायतें मिली हैं। हम जल्द एफआईआर दर्ज करेंगे। ये तीन तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर हॉस्टल में जब नकाबपोश एंटर किए और छात्राओं पर जब हमला किया गया और पुलिस बल तैनात ताकि स्थितियों को संभाला जा सके। वहीं जेएनयू में हुए बवाल के बाद छात्रों के समर्थन में देश भर में विद्यार्थी प्रदर्शन कर रहे हैं। मुंबई में छात्रों ने गेटवे ऑफ इंडिया पर प्रदर्शन किया। वहीं यूपी सरकार अलर्ट पर आ गई है। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। तो देखिए किस तरीके से समर्थन में ये प्रदर्शन किया जा रहा है और जेएनयू में जिस तरीके से बवाल मचा है उसको देखते हुए अब जगह जगह प्रदर्शन किया जा रहा है। पहले जामिया में सीएए और एनआरसी को लेकर बवाल हुआ और अब जेएनयू की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर छात्रों के समर्थन में प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं जाधवपुर यूनिवर्सिटी में भी छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। तो बता दें कि जिस तरीके से लगातार जेएनयू में जो बवाल हुआ है, जिस तरीके से छात्राओं के साथ मारपीट की गई है, उसके बाद अब यहां पर भी छात्रों का प्रदर्शन जो है वो देखने को मिल रहा है। तो जाधवपुर यूनिवर्सिटी में भी छात्रों का प्रदर्शन। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी हिंसा मामले में विपक्ष ने तीखी प्रतिक्रिया दी है और मायावती ने सख्त कार्रवाई की मांग की है। मायावती ने कहा कि जेएनयू में छात्रों और शिक्षकों के साथ हुई हिंसा अति निंदनीय है और शर्मनाक है। केंद्र सरकार को इस घटना को अति गंभीरता से लेना चाहिए, साथ ही इस घटना की न्यायिक जाँच हो जाए ताकि ये बेहतर होगा। वहीं जेएनयू विवाद को लेकर सीएम अशोक गहलोत ने भी ट्वीट किया है। तो देखिए लगातार जेएनयू में जिस तरीके से बवाल मचा हुआ है, जगह जगह प्रदर्शन किया जा रहा है, उसके बाद यहां पर सीएम अशोक गहलोत ने भी ट्वीट किया है और मायावती ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने ये कहा है कि इस मामले को गंभीरता से लेते हुए इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। वहीं इस घटना को लेकर बीजेपी और विपक्ष आमने सामने हैं। ये बहुत दुखद है, बहुत ही दुखद है और कुछ लोग इसको जानबूझ के राजनीतिक हवा दे रहे हैं। छात्रों को हिंसा में मत जोड़े कोई। हम भारतीय जनता पार्टी इस जो घटना हुई है जेएनयू में उसकी कड़ी निंदा भी करती है और इसकी कड़ी जांच की, सख्त जांच की मांग भी करती है ताकि दोषी कोई भी हो उसको छोड़ा नहीं जा सके। जो जेएनयू में हुआ है और जिस तरह स्टूडेंट्स और टीचर्स के ऊपर एबीवीपी और बाहर के गुंडों के गैंग ने मिलकर पुलिस की मदद से अटैक किया, आप सोचे जेएनयू की इलेक्टेड प्रेसिडेंट एक लड़की ओशी को एक आयरन रॉड को लेकर उनके सिर पर मारा है। जेएनयू की संघर्ष को तोड़ने के लिए फी हाइक के खिलाफ, उनकी जायज संघर्ष को तोड़ने के लिए ये सरकार इस हद तक पहुंच सकती है।